सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पीकेआर ट्रेडिंग चैनल। आज इस वीडियो में कैसे कैंडल स्टिक को ट्रेड करना सीखेंगे जिसके बनने पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, यानी कि जब ये कैंडल बनती है तो मार्केट का ट्रेंड बदल जाता है। मार्केट अपसाइड जा रहा होता है तो मार्केट वहां से डाउन साइड आने लगता है, और मार्केट डाउन साइड जा रहा होता है तो मार्केट वहां से अपसाइड जाने लगता है। गाइस जिस कैंडल को हम इस वीडियो में ट्रेड करना सीखेंगे उस कैंडल का नाम है पिन बार कैंडल। गाइस ये पिन बार कैंडल इतनी ज्यादा पावरफुल और इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा होती है, अगर आप इसको अच्छे से ट्रेड करना सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आप इससे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन गाइस उससे पहले आपको इसको अच्छे से समझना होगा कि आपको इसको ट्रेड कैसे करना है, जो कि हम इस वीडियो में सब कुछ बिल्कुल डिटेल से जानेंगे कि ये कैंडल कब बनती है, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, आपको इसको कब ट्रेड करना है और आपको इसको कब ट्रेड नहीं करना है। हम सब कुछ बिल्कुल डिटेल से जानेंगे, बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से एंड तक देखना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। गाइस अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा और डेफिनेटली आप इसे लॉस कर लेंगे। इसलिए गाइस आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से एंड तक देखना है। मैं गारंटी देता हूँ आप इसको अच्छे समझ जाते हैं तो आप इससे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बुक करेंगे। गाइस मैं इस वीडियो में आपको जो रूल्स बताने वाला हूँ आपको उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड लेना है, फिर देखना गाइस आप इससे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बुक करेंगे। गाइस आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये गाइस पिन बार कैंडल को समझ लेते हैं। गाइस पिन बार कैंडल टू टाइप से फॉर्म होती है, फर्स्ट है बुलिश पिन बार एंड सेकंड इज बियरिश पिन बार। गाइस बुलिश पिन बार कैंडल देखने में कुछ इस तरीके से होती है, जिसकी बॉडी ऊपर की साइड होती है छोटी सी, और इसकी जो लोअर वीक होती है वो इसकी बॉडी के कंपेरिजन में एटलीस्ट दो गुना बड़ी होती है, यानी कि इसकी लोअर वीक इसकी बॉडी के कंपेरिजन में कम से कम दो गुना बड़ी होनी चाहिए, तभी हम इसे एक बुलिश पिन बार कैंडल मानेंगे। गाइस अगर बुलिश पिन बार कैंडल की लोअर वीक जो होती है वो छोटी सी है, यानी कि इसकी बॉडी के कंपेरिजन में दो गुना बड़ी नहीं है, तो इसे हम बुलिश पिन बार कैंडल नहीं मानेंगे। गाइस ये बुलिश पिन बार कैंडल जो होती है इसका कलर रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है, हमें कलर से कोई भी मतलब नहीं होता है। आइए गाइस अब समझ लेते हैं कि ये कैंडल कैसे फॉर्म होती है चार्ट पे। गाइस जब बुलिश पिन बार कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है तो यहाँ से इसे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से नीचे जाता है। उसके बाद यहाँ से बायर्स एंट्री लेते हैं, जिसके बाद बायर्स इसको इसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर क्लोजिंग कर देते हैं, तो ये हमारी एक बुलिश पिन बार कैंडल बन जाती है। और गाइस आइए अब बियरिश पिन बार कैंडल को समझ लेते हैं। बियरिश पिन बार कैंडल जो होती है वो देखने में कुछ इस तरीके से होती है, इसकी बॉडी डाउन साइड होती है और इसकी जो अपर शेडो होती है वो इसकी बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम दो गुना बड़ी होती है, यानी कि इसकी जो अपर शेडो है इसकी बॉडी के कंपैरिजन में एटलीस्ट दो गुना बड़ी नहीं है, तो हम इसे एक बियरिश पिन बार कैंडल नहीं मानेंगे। इसीलिए गाइस बियरिश पिन बार कैंडल की अपर वीक इसकी बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम दो गुना बड़ी होनी चाहिए, तभी हम इसे एक बियरिश पिन बार कैंडल मानेंगे। गाइस बियरिश पिन बार कैंडल का कलर रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है, हमें इसमें कलर से कोई मतलब नहीं होता है। अब आइए गाइस जान लेते हैं कि बियरिश पिन बार कैंडल चार्ट पर कैसे फॉर्म होती है। गाइस जब बियरिश पिन बार कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट होती है तो इसे स्टार्टिंग में यहाँ से बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिसको जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, और उसके बाद जब प्राइस यहाँ से पर पहुँचता है उसके बाद यहाँ से सेलर्स एंट्री लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे आता है और ये अपनी ओपनिंग प्राइस को क्रॉस करके नीचे आता है और यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है, तो ये हमारी एक बियरिश पिन बार कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। और जब बियरिश पिन बार कैंडल चार्ट पर अपसाइड बनती है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड आती है। लेकिन गाइस आपको सिर्फ इसी कैंडल को देखकर ट्रेड नहीं लेना है, आपको इसके साथ में प्राइस एक्शन को भी यूज करना है, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। गाइस जब बुलिश पिन बार कैंडल बनती है तो ये कैंडल सपोर्ट पर बननी चाहिए, और जब बियरिश पिन बार कैंडल बनती है तो ये कैंडल किसी रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए, तभी हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। अभी हम सब कुछ बिल्कुल डिटेल से जानेंगे, बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आइए गाइस इन कैंडल्स को ट्रेड करने के रूल्स जान लेते हैं कि आपको इसको ट्रेड कैसे करना है। आइए पहले बुलिश पिन बार कैंडल को जान लेते हैं। गाइस जब बुलिश पिन बार कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है ये कैंडल किसी सपोर्ट लेवल पर बननी चाहिए, प्लस इसकी लोअर शेडो जो होती है इसकी बॉडी के कंपैरिजन में एटलीस्ट दो गुना बड़ी होनी चाहिए, और इसका कलर रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है। गाइस आपको इसमें एंट्री तब लेना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है, अगर वो कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो आप वहां से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। अभी हम चार्ट पर समझेंगे। आइए अब बियरिश पिन बार कैंडल के ट्रेड करने के रूल्स को समझ लेते हैं। गाइस जब बियरिश पिन बार कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो ये कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बननी चाहिए, प्लस इसकी जो अपर शेडो होती है इसकी बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम दो गुना बड़ी होनी चाहिए। गाइस इस कैंडल का भी कलर रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है। गाइस आपको इसमें एंट्री तब लेना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है, अगर वो कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक करती है तो आप वहां से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। आइए गाइस अब इसे चार्ट पर समझते हैं। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस लेवल पर आया है। उसके बाद गाइस आप यहाँ देख सकते हैं एक बियरिश पिन बार कैंडल बन गई है। अब गाइस आपको उन सभी रूल्स को मिलाना है जो मैंने आपको बताया था।
गाइज मैंने आपको बताया था कि जो बियरी स्पिन बार कैंडल बनती है वो किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बननी चाहिए। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं ये बियरी स्पिन बार कैंडल रेजिस्टेंस लेवल पर बनी है। और गाइज मैंने आपको बताया था कि जो बियरी स्पिन बार कैंडल होती है वो रेड या ग्रीन कोई भी हो सकती है। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं ये कैंडल रेड बनी हुई है। और गाइज मैंने आपको बताया था कि बियरी स्पिन बार की अपर शैडो इसकी बॉडी की कंपैरिजन में कम से कम दो गुना बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं इसकी बॉडी की कंपैरिजन में इसकी अपर शैडो दो गुना बड़ी है। और गाइज मैंने आपको बताया था कि इसके बाद अगर कोई कैंडल बनती है और इस पिन बार कैंडल के लो को ब्रेक करती है डाउन साइड तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ पर भी गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो बनी हुई है इस पिन बार कैंडल के लो को ब्रेक कर रही है तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं और आप अपना स्टॉप लॉस इस पिन बार कैंडल के हाई पर रख सकते हैं। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट नीचे गया है। आइए गाइज इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेवल पर आया है। उसके बाद गाइज आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गई है। अब गाइज आपको उन सभी रूल्स को मिलाना है जो मैंने आपको ही बताया था कि जो बुलिश पिन बार कैंडल होती है वो सपोर्ट लेवल पर बननी चाहिए। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं ये बुलिश पिन बार कैंडल सपोर्ट लेवल पर बनी हुई है। और गाइज मैंने आपको बताया था कि जो बुलिश पिन बार कैंडल होती है इसकी लोअर शैडो इसकी बॉडी की कंपैरिजन में कम से कम दो गुना बड़ी होनी चाहिए। यहाँ भी गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो लोअर शैडो है इसकी बॉडी की कंपैरिजन में कम से कम दो गुना बड़ी है। और गाइज मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल रेड या ग्रीन कोई भी बन सकती है। गाइज आप यहाँ देख सकते हैं ये कैंडल रेड बनी हुई है। और गाइज मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें एंट्री तब लेनी है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है। अगर वो कैंडल इस बुलिश पिन बार कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए गाइज ये नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है और ये बुलिश पिन बार कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है। आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पर आप 1:2 का टारगेट रख के आराम से एंट्री बना सकते हैं। आइए गाइज इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल पर आया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गई है। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल सपोर्ट लेवल पर बनी हुई है और इस कैंडल की जो लोअर शैडो है इसकी बॉडी की कंपैरिजन में कम से कम दो गुना बड़ी है। और गाइज आपको इसमें एंट्री तब लेनी है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है इसके हाई को ब्रेक करती है तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए गाइज ये नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है और इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट कितना ऊपर तक गया है। आइए गाइज इसके और भी एग्जांपल देखते हैं। गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल पर आया है और यहाँ पर एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गई है। और गाइज आप देख सकते हैं इसकी जो लोअर शैडो है इसकी बॉडी की कंपैरिजन में कम से कम दो गुना बड़ी है और जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो इस बुलिश पिन बार कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है। आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं और आप इसमें 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। देखिए गाइज यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है। अब ऐसे यहाँ भी आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर मार्केट फिर से अपने सपोर्ट लेवल पर आया है और यहाँ पर फिर से एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गई है। अब गाइज आपको इसमें देखना है जब कोई नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए गाइज ये नेक्स्ट कैंडल बनी और इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है। आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं और आप अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पर रख सकते हैं। उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है। आप इसमें 1:2 का टारगेट आराम से बुक कर सकते हैं। आइए गाइज इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अब ऐसे ही यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस लेवल पर गया, उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ पर एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गई है। गाइज आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो बुलिश पिन बार कैंडल बनी हुई है वो ब्रेकआउट पर बनी हुई है तो आपको वेट करना है जब कोई नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ गाइज आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है। आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर 2-3 कैंडल कंसोलिडेट की हैं, उसके बाद डायरेक्ट मार्केट ऊपर चला गया है। आइए गाइज इसके और भी एग्जांपल देखते हैं। अब गाइज यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल पर आया है और यहाँ पर एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गई है। अब गाइज आपको वेट करना है इसके हाई के ब्रेकआउट होने का। अब गाइज जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वो इसके हाई को ब्रेक नहीं कर रही है तो आपको अभी वेट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइज यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वो इसके हाई को ब्रेक कर दी है तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट कितना ऊपर तक गया है। गाइज ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, बस आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। उसके बाद गाइज देखना आप इससे कितने अच्छे प्रॉफिट बुक करेंगे। गाइज आइए इसके और भी एग्जांपल देख लेते हैं। गाइज यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस लेवल पर गया है और उसके बाद मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए गाइज एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गई है। अब आपको वेट करना है जब कोई कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वो इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है। आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं और आप अपने स्टॉप लॉस इस पिन बार कैंडल के लो पर रख सकते हैं। उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट कितना ऊपर तक गया है। अब आइए गाइज जान लेते हैं कि पिन बार कैंडल्स को आपको कब ट्रेड नहीं करना है। गाइज 4 कंडीशन में आपको पिन बार कैंडल्स को ट्रेड नहीं करना है। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर बियरिश पिन बार कैंडल किसी सपोर्ट लेवल पर बनती है तो आपको वहाँ से ना तो पुट साइड एंट्री बनानी है और ना ही कॉल साइड एंट्री बनानी है। गाइज बियरिश पिन बार कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं।
लेकिन अगर ये पिन बार कैंडल किसी सपोर्ट लेबर पर बनती है तो आपको वहाँ से एंट्री नहीं बनाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और आपको लॉस हो सकता है। जैसा कि यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पर एक सपोर्ट लेबल है, मार्केट यहाँ पर अपने सपोर्ट लेबल पर आया है। उसके बाद गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक बेयरिश पिन बार कैंडल बन गई है। उसके बाद गाइस देखिए, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया है। अगर गाइस आप यहाँ पर पुट साइड एंट्री बनाए होते तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया होता और आपको लॉस हो गया होता। ऐसे ही गाइस हमारी सेकंड कंडीशन है। गाइस सेकंड कंडीशन में आपको देखना है, अगर कोई बुलिश पिन बार कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तो आपको वहाँ से कॉल साइड एंट्री नहीं बनाना है। क्योंकि गाइस बुलिश पिन बार कैंडल अगर सपोर्ट लेवल पर बनती है तब हम उसमें कॉल साइड एंट्री बनाते हैं, अगर वो रेजिस्टेंस लेवल पर बन रही है तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं बनाना है। जैसे कि यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस लेवल पर गया है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गई है। गाइस अगर आप यहाँ पर कॉल साइड एंट्री बनाए होते तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बुलिश पिन बार कैंडल बनी है लेकिन यहाँ पर मार्केट रिवर्स होकर नीचे चला आया है। तो इसीलिए गाइस आपको बुलिश पिन बार कैंडल को सिर्फ सपोर्ट लेवल पर ट्रेड करना है और बेयरिश पिन बार कैंडल को आपको सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड करना है, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आप इससे अच्छे प्रॉफिट बना सकें। गाइस हमारी थर्ड कंडीशन है कि आपको तब ट्रेड नहीं करना है जब बुलिश पिन बार कैंडल या फिर बेयरिश पिन बार कैंडल सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के बीच में बनती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक बुलिश पिन बार कैंडल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में बनी हुई है। गाइस अगर आप यहाँ पर कॉल साइड एंट्री बनाए होते तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता और आपको लॉस हो गया होता। इसलिए गाइस आपको बुलिश पिन बार कैंडल को किसी सपोर्ट लेवल पर ही ट्रेड करना है। अगर ये बुलिश पिन बार कैंडल बीच मार्केट में बन रही है तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं बनाना है, आपको इसे सिर्फ सपोर्ट लेवल पर ही ट्रेड करना है। ऐसे ही गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक बेयरिश पिन बार कैंडल बनी हुई है। गाइस अगर आप यहाँ पर पुट साइड एंट्री बनाए होते तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता और आपको लॉस हो जाता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर बेयरिश पिन बार कैंडल बनी हुई है लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है। अगर आप यहाँ पर पुट साइड एंट्री बनाए होते तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता और आपको लॉस हो जाता। तो इसलिए गाइस आपको बेयरिश पिन बार कैंडल को सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल पर ही ट्रेड करना है। अगर ये बेयरिश पिन बार कैंडल बीच मार्केट में बन रही है तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं बनाना है, ऐसा करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको लॉस हो जाएगा। और गाइस हमारी फोर्थ कंडीशन है कि आपको तब ट्रेड नहीं लेना है। सपोज गाइस अगर बुलिश कैंडल बन रही है, जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको वहाँ पर कॉल साइड एंट्री नहीं बनाना है। और अगर बेयरिश पिन बार कैंडल बन रही है तो जब तक उस बेयरिश पिन बार कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक आपको वहाँ पर पुट साइड एंट्री नहीं बनाना है। गाइस जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल पर आया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गई है। अब गाइस आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो इस बुलिश पिन बार कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, तो आपको वेट करना है। अगर कोई कैंडल इस पिन बार कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वो इस बुलिश पिन बार कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और ऐसी गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पर गया है और यहाँ पर एक बेयरिश पिन बार कैंडल बन गई है। अब उसके बाद गाइस देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वो इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रही है, तो आपको यहाँ पर अभी एंट्री नहीं बनाना है, आपको वेट करना है। जब कोई कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है तब आप वहाँ से एंट्री बना सकते हैं पुट साइड के लिए। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर ये वाली रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रही है, तो आप यहाँ से पुट साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद गाइस देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे आया है। गाइस मैं जो रूल्स आपको बताया हूँ, आपको उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड लेना है। उसके बाद गाइस देखना, आप इससे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि गाइस जो चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ ये चीज़ें आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलती हैं। तो इसलिए गाइस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।